हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम धनतेरस और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। झलक दानी चैनल के माध्यम से आपको धनतेरस के उपलक्ष में हम एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको पुराने से पुराना कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इस धनतेरस बन रहा है बहुत संयम संयोग, जिसके मात्र गंगाजल के उपाय से आपका जीवन बदल जाएगा। कहते हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। इस बार धन लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी, सरस्वती माँ का असीम आशीर्वाद आपसे रहेगा और गंगाजल के इस उपाय करने से आपका मात्र पुराने से पुराना कर्ज माँ लक्ष्मी की कृपा से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की ऐसी वीडियो की जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। झलक दानी चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को इस बार धनतेरस पर कर्जे से मुक्त करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दीपावली आपकी दिवाली माँ के आशीर्वाद से संयोग लेकर आई है और आपका सारा कर्ज मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, प्लीज़ अपना प्यार इसमें हमें देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसी रोचक और ऐसे अचूक उपाय लाते रहें। दोस्तों, कहते हैं धनतेरस के दिन पूजा सभी जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं लाना है। भूल कर भी आप वीडियो को स्क्रिप करके मत जाइए। ये उपाय और क्या नहीं लाना चाहिए भूल कर भी मैं आपको बताती हूँ, जिससे हमारे घर में आती है दरिद्रता और कंगाली। और दोस्तों, हम नहीं चाहते कि आप इन बातों से अनजान रहे, तो जाने माँ लक्ष्मी और सरस्वती का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें और इस गंगा जल के उपाय से आप क्या अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जानते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं लाना है। दोस्तों, पहले मैंने वीडियो डाल दी है और इसमें मैं उसका लिंक दे दूंगी, वीडियो का डेट, मुहूर्त, तारीख और विधि किस तरह से पूजा करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें उपाय ही बता रही हूँ वीडियो में, ताकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो जानते हैं कि क्या नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, ये धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और इस दिन सभी मुहूर्त बहुत अच्छा रहता है। तो सभी क्या सोचते हैं कि किसी को गाड़ी लेनी होती है तो वो इसी दिन चॉइस करता है कि हम इस दिन धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आते हैं। दोस्तों, गाड़ी लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको गाड़ी की पेमेंट एक दिन पहले करनी है। धनतेरस के दिन आपको गाड़ी नहीं लानी है, यानी पैसे नहीं देने हैं। अगर आपका मन है तो आप गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट या लोन जो भी आपको कराना है वो धनतेरस से एक दिन पहले कराना है। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी की पेमेंट करके गाड़ी लाते हो तो आपके घर में बरकत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी एक लोहा है और धनतेरस के दिन लोहा खरीदना वर्जित माना जाता है। कहते हैं शनिदेव की कृपा और धनतेरस माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। लोहे की चीज़ हमेशा हमें शनिवार के या धनतेरस के दिन नहीं लानी चाहिए। तो इसलिए अगर आप लाना चाहते हैं तो पेमेंट एक दिन पहले करें और आप लेकर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि धनतेरस के दिन सभी लोग अपने घरों के लिए बर्तन खरीदते हैं, लेकिन बर्तन आपको कौन से खरीदने हैं। दोस्तों, बर्तन आपको स्टील के नहीं लेकर आने हैं। अगर आप स्टील के बर्तन लाते हो तो उसमें लोहा होता है। अगर आप लोहे से संबंधित हमें नहीं खरीदना है धनतेरस के दिन, अगर माँ का आशीर्वाद चाहिए तो, इसलिए हमें स्टील के बर्तन नहीं लेकर आने हैं। हमें तांबे का कोई बर्तन लेकर आना चाहिए। धनतेरस के दिन तांबा बहुत शुभ चीज़ होता है। अगर आप सोना, चांदी, जेवर कुछ नहीं खरीद सकते, सभी लोग फाइनेंस कंडीशन अगर ठीक नहीं है, तो आप तांबे का कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, या आप वस्त्र खरीद सकते हैं, कपड़े वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टील का बर्तन नहीं खरीदना है, क्योंकि उसमें भी लोहा चल रहा है। और थर्ड बात है कि आप चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं जो गिर जाते हैं, सीसा मिनर वाले जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि उनका कोई भी वस्तु का कोई मोल नहीं होता है, जैसे वो गिरती है वैसी टूट जाती है। तो इसलिए हमें वो चीनी मिट्टी वाले भी नहीं लेकर आने हैं। अब जानते हैं चौथा उपाय क्या है, कि हमें क्या नहीं लाना है।
चौथा है, हमें प्लास्टिक से संबंधित चीज़ें भी नहीं लेकर आनी, जैसे कटोरी है, चम्मच है, इस तरह से भी हमें नहीं लेकर आनी है, क्योंकि वो लाने से भी हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं सब चीज़ों के लिए तो ना बोल रही हूँ, हमें क्या लाना चाहिए, तो दोस्तों हमें लाना चाहिए, सबसे पहले आपको घर में धनतेरस के दिन एक झाड़ू लेकर आनी चाहिए। जिस तरह घर में से कूड़ा साफ करती है झाड़ू, उस तरह से हमारे जीवन से दरिद्रता दूर होती है झाड़ू लाने से, माँ का आशीर्वाद मिलता है, झाड़ू लक्ष्मी होती है। और ये धनतेरस के दिन अगर हम 3 या 5 झाड़ू लाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है और माँ की असीम कृपा बनी रहती है। तो इसलिए आपको झाड़ू लेकर आनी है। दूसरी बात, आपको अगर फाइनेंस कंडीशन सही नहीं है उन लोगों के लिए जो नहीं ला सकते कोई भी चीज़ ऐसी, तो वो ला सकते हैं मात्र 5 रुपये के कमल गट्टे, माँ को अति प्रिय होते हैं वो कमल गट्टे। तो आप माँ को कमल गट्टे लाकर 5 या 9 माँ को चढ़ाएं तो माँ अति प्रसन्न होती हैं आपको और माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो दोस्तों ये थे 2 वो उपाय जो आपको लाने हैं धनतेरस के दिन और आपकी दरिद्रता दूर होगी। अब जानते हैं गंगा जल के उपाय। प्राचीन परंपराओं से धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, चाहे बच्चे का जन्म हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, गंगा जल से सभी पवित्र कार्य किए जाते हैं। इसको लेकर कई तरह के उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह करते हैं। गंगा जल को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह गंगा, जिसे अन्य कथा गंगा के रूप में जाना जाता है, मानव जीवन में पवित्रता लाती है। इसके पवित्र जल से स्नान करते हैं व्यक्ति अपने अस्तित्व के मूल में शुद्ध हो जाता है। हिंदुओं का मानना है कि यदि नदी स्वर्ग में बहते हुए और भूमि को शुद्ध करने के लिए इसे पृथ्वी पर लाया गया था, भगवान शिव ने गंगा माँ को अपनी जटाओं में स्नान देकर और 7 सहायक नदियों में प्रवाहित करके उन्हें निमंत्रण दिया था। प्राचीन परंपराओं से धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, चाहे बच्चे का जन्म हो, व्यक्ति की मृत्यु हो, गंगा जल से सभी पवित्र कार्य किए जाते हैं। ज्योतिषी शास्त्रों में इसको लेकर कई तरह के उपाय बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे अचूक उपाय बता रही हूँ जो गंगा जल के करने से आपका पुराने से पुराना कर्ज भी मुक्त हो जाएगा। इस बार आप यदि आप बहुत ही अधिक कर्ज हैं और आप इसे दुखी हो, तो पीतल के लोटे में गंगा जल लेकर घर की उत्तर पूर्व दिशा के कोने में गंगा जल को रख दें। लोटे के मुंह को लाल कपड़े से ढक दें। उस उपाय को करने से कर्ज से धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। दोस्तों ये वो एक कर्ज मुक्त उपाय है जिससे आपका पुराने से पुराना कर्ज चला जाएगा। अब आगे के जो मैं 2 उपाय बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना और प्लीज लाइक करना। यदि नौकरी संबंधी समस्या से परेशान है तो गंगा जल के ये उपाय कारगर साबित होगा। लगातार 40 दिन तक पीतल के लोटे में साधारण जल भरकर उसमें गंगा जल की 11 बूंदें डालकर 5 बेल पत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इससे उपाय से नौकरी आ रही बाधा दूर हो जाती है। यदि घर में किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो नहाने के पानी में गंगा जल और चुटकी भर हल्दी मिलाकर लगातार 21 दिन स्नान करें। यह उपाय विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करेगा। 3 उपाय है, गंगा जल बहुत ही पवित्र जल माना जाता है, इसमें काफ़ी चमत्कारी गुण होते हैं। गंगा जल को घर में रखने से नकारात्मक दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ को रोजाना गंगा जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो मैंने उपाय आपको बताए ये बहुत ही कारगर हैं। अगर आप ये उपाय करते हो तो इस धनतेरस और दीपावली पर आपका कर्ज मुक्त हो जाएंगे और आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप भोले बाबा का और माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक